हाय फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी बनाना केक कैसे बनाया जाता है। मैं ये बनाना केक को आटे से बनाऊंगी। मैं 1.5 कप आटा ली हूँ, उसके लिए 1/4 कप शुगर ली हूँ। मैं ज़्यादा चीनी यूज नहीं करूँगी। मीठा ज़्यादा पसंद हो तो हाफ बाउल ले सकते हैं, मीन्स हाफ कप हम शुगर यूज कर सकते हैं। और 1 कप मैं फुल क्रीम मिल्क ली हूँ, क्रीम के साथ ली हूँ। और ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज की हूँ, 1/4 कप ही ली हूँ। और बेकिंग पाउडर जो है 1.5 स्पून यूज कर रही हूँ। बेकिंग सोडा 1/2 स्पून यूज कर रही हूँ। और मिल्क अगर चाहिए होगा तो मिलाएंगे। मैं एक बनाना को मैश कर ली हूँ और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी। मैं एक बनाना को मैश कर ली हूँ। देखिए, इसमें मैं अभी डालूँगी पहले चीनी को और बाद में ऑयल को, रिफाइंड तेल को मैं डालूँगी। और उसको थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें मैं वही आटा जो ली हूँ, 1.5 कप आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, उसको डाल दूँगी। और उसमें मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में 1.5 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ, बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। और उसमें अभी मैं ये क्रीम को, फुल क्रीम मिल्क ली हूँ, मिल्क को मैं क्रीम के साथ ही ली हूँ। देखिए, 1 कप ली हूँ इसको। और जितना चाहिए होगा मैं इसमें मिल्क को भी ऐड करूँगी। देखिए, हम इसको एक ही डायरेक्शन में हमको इसको चलाना है, मतलब क्लॉकवाइज अगर कर रहे हैं तो हमको क्लॉकवाइज ही मिलाना है, क्यों ना इसको अगले डायरेक्शन में अगर मिलाएंगे तो अच्छे से केक नहीं बनेगा। हमारा केक का बैटर जो था, बनाना केक का बैटर, वो रेडी हो गया। मैं इसको आज तावे के ऊपर कुकर को रखकर कैसे केक बनाया जाता है मैं बताऊँगी। देखिए, मैं एक छोटा सा कुकर ली हूँ, इसमें ऑयल ग्रेस कर ली हूँ। अभी मैं इसको एक तावे के ऊपर ऐसे रखूँगी। ये तावा जो है वो गर्म हो गया है अभी। देखिए, मैं पहले से फ्लेम ऑन की थी। इसके ऊपर मैं बैटर डालूँगी और ऐसे बिठाऊँगी इसको बैटर डालने के बाद। और जो बैटर था मैं वो कुकर में डाल दी हूँ। अभी इसको हम ऐसे, इसका जो है रबर है उसको निकाल देंगे, विसिल को भी निकाल देंगे। और इसको अभी कवर करेंगे और तावा जो गर्म हुआ था उसके ऊपर हम बिठा देंगे। हाई फ्लेम में थोड़ा हम अभी करेंगे, उसके बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। 1 घंटा पूरा लगता है ये बनने के लिए। देखिए, मैं पहले फ्लेम को हाई की हूँ, बाद में इसको मैं स्लो करूँगी। थोड़ा 5 मिनट हम हाई फ्लेम में रखेंगे, फिर स्लो करेंगे और पूरा 40 मिनट बिठाएंगे। और बीच में थोड़ा चेक करना होगा हमको। हम जो बनाना केक बनाए थे वो तैयार हो गया है शायद, हम चेक करेंगे उसको कि हमारा 30 मिनट से 40 मिनट तक मैं बिठा दी हूँ। तो अभी इसको ऐसे चेक करेंगे, एक टूथपिक की मदद से इसको घुसाएंगे। वो अगर साफ निकलेगा तो हमको पता चलेगा कि केक बन गया है। देखो, ये साफ निकला है तो हमारा केक जो है वो बन गया है। मैं गैस को अभी ऑफ कर लूँगी। ये ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे तो अच्छे से निकलेगा, नहीं तो केक जो है टूट जाएगा। देखिए, हमारा केक जो था वो ठंडा हो गया। मैं अभी इसको निकालूंगी। इसका ये इतना अच्छे से हुआ है, देखिए ये साइड पूरा छोड़ रहा है। मैं इसको, देखिए, इसको ऐसे पलट लूंगी। देखिए कितना अच्छे से केक बना है। ये है बनाना केक जो है आटे से बना हुआ। मैं इसको काट कर दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। देखिए, मैं काटी हूँ एक पीस, कितना अच्छे से बना है ये केक। देखिए कितना स्पॉन्जी है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये आटे से बना है। देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।